लाख से अधिक मत से यहां पर विद्युत वरण महतो ने फिर से दोबारा मैदान जीत लिया है और 17वीं लोकसभा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वो तो हमारे साथ में है विद्युत वरण महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। सबसे पहले आपको न्यूज 11 से बहुत बहुत बधाई। ये जानना चाहेंगे कि अब जीत के बाद में आगे किस तरह से देखिए, पिछले 5 साल में देश के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी कई योजना भारत सरकार और राज्य सरकार का है, जो हम लोग सतह आम लोगों को एहसास करने के लिए पूरा धरातल में उतारने का काम किया। और लोग ने माना कि ये सरकार ही हमें जीवन में और कुछ देने वाला है और इसको जो हमारा जीवन स्तर इसको आगे बेहतर ढंग से ले जा सकता है, उसी का परिणाम स्वरूप देखिए एक सुनामी का लहर है जो इस बड़ा लहर में पूरा विश्व के नेता आज बधाई दे रहा नरेंद्र मोदी जी का। आप लोग का आशीर्वाद में जहाँ भी जिस तरह के समस्या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं देखते हैं, कोशिश करते हैं उस जगह जाकर उस समस्या को कैसे निदान करें। अगर ये राष्ट्रीय स्तर का समस्या है तो संबंधित मंत्री से मिले, राज्य का मसला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरा ऊपर में रहा, जो आज जमीनी हकीकत से सभी को वाकिफ हुआ और सभी ने एहसास किया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकारी इसको विकास बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और इस मुकाम पर लाने के लिए हमारे पंचायत और बूथ समिति के से लेकर मंडल जिला सभी मेरा विधायक साथी एनडीए के विधायक साथी जैसे हमारे सईद जी है आंसू के लोजपा जेडीयू सभी ने काफ़ी दिन मेहनत किया इसमें और उसका परिणाम है। लेकिन मैं पूर्व में भी कहा आज भी कह रहा हूँ, मैं संसद जीता था जरूर, मेरे एक भाई परिवार के सदस्य रूप में लोगों के बीच में गया, काम करने की इच्छा जाहिर की, लोगों ने सपोर्ट किया और आज हम लोग इतना काम किया। अगर कोई भी छूटा है उसको हम लोग पूरा करने गए। हम लोग का ध्यान है कि कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार के लिए बाहर ना जाए, पलायन ना करे, झारखंड में उसका उपलब्धता हो ताकि वो बेहतर ढंग से जिए, से गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा हो, उसके लिए मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार दोनों प्रयास कर रहे हैं। यह सेकंड टर्म अब आपका हो रहा है लोकसभा का, ऐसे में अगर मोदी जी कोई बड़ी जिम्मेवारी देते हैं कैबिनेट मंत्री में, उसको किस तरह से आप पूरा करें? देखिए, जिम्मेवारी से हम लोग कभी नहीं भागा और जिम्मेवारी अगर मिलती है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग निभाने का प्रयास करेंगे। बट एक सांसद और एक आपके भाई होने के नाते कोशिश करेंगे, चाहे जनता की सुख हो दुख हो शरीक होना, उसके समय पर उसका हम पहुँचना। कोई भी समस्या छन के आता है जो सामूहिक और जनहित में होगा, किसी भी प्रकार इसको पूरा करना, ये हमारा प्रयास रहा 5 साल में और अभी भी रहेगा और आगे भी बेहतर जमशेदपुर बने, जमशेदपुर लोकसभा बने, चाहे सुधर दुहात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, युवा पीढ़ी की बात हो, बेरोजगार की बात हो, ये लगातार संघर्ष है और हम लोग उसको समय ऐसा आएगा कि जो बेरोजगारी उसको हम लोग रोजगार देने में सफल रहें, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। जमशेदपुर को सबसे पहला क्या देंगे जमशेदपुर की जनता? जनता की ये मैं हम लोग चाहेंगे जो अभी एयरपोर्ट अधूरा है इसको हम लोग पूरा करेंगे, रोड कनेक्टिविटी अभी कुछ जगह बाकी उसको पूरा करेंगे, बिजली प्राय प्राय सब जगह हुआ लेकिन बिजली 22-23 घंटा मिले उसको पूरा करेंगे। आज जो MGM और भी जो जिला स्तर का जो भी अस्पताल है, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये जिला का हम लोग पहले करेंगे फिर अनुमंडल को करेंगे, ये बातचीत चल रहा है। उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सब है ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग चाहेंगे उसमें डॉक्टर कम से कम सप्ताह में 2 दिन बैठे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो जी भी आपने न्यूज 11 से बात की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 11 को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इलेक्शन पीरियड में काफ़ी क्षेत्र के लोगों से अवगत कराया, हम लोग को समझने का मौका दिया और जाके फिर उन लोग से मिलने का मौका मिला, इसलिए हम भी न्यूज 11 को अपने हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे विद्युत वरण महतो जो कि जिस पर जनता ने फिर से दोबारा विश्वास किया है और जोरदार, बल्कि अगर कहा जाए कि मुहर नहीं, जोरदार मुहर तरीके से इन्हें जिताया है।